हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पूरे महाराष्ट्र में लगातार कोरोना कर्फ्यू जारी है और इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से मुंबई से लोगों का पलायन भी जारी है। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बांद्रा से सीनियर एडिटर ज्योइता मित्रा की रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ दिनों से मुंबई के एलटीटी टर्मिनस पर मजदूरों का पलायन हम सब देख रहे हैं। आज पहली बार बांद्रा टर्मिनस पर भी भारी मात्रा में जो है वो पैसेंजर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग यहाँ से यूपी में जो इलेक्शन है उसकी वजह से भी जा रहे हैं और कुछ लोग जो है अपने पूरा का पूरा परिवार लेकर जो है वो यहाँ से घरों की तरफ जा रहे हैं, अपने घरों में वो अब सुरक्षित महसूस करते हैं। आइए जानते हैं इनमें से आप भाई साहब कहाँ जा रहे हैं। हम राजस्थान जा रहे हैं मैडम। राजस्थान जा रहे हैं, जहाँ बांद्रा टर्मिनल से बता दें राजस्थान, दिल्ली और अलग अलग शहरों में भी ट्रेनें जाती हैं, तो आप के जाने की वजह अचानक? हमारा जाने की वजह भय है, डर है कि पिछले साल के जैसा आपकी बार ऐसा नहीं हो जाए करके मन में बहुत डर है। अलग अलग तरह की अफवाह है कि कोई बोल रहे 3 महीने का लॉकडाउन लगेगा, कोई बोल रहे 1 महीने का लगेगा, कोई बोल रहे बीमारी ज़्यादा, तो इस वजह से डर की वजह से हम मैम जा रहे हैं। आप बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? गांव के लिए जा रहे हैं मैडम। किस बात, क्या डर से जा रहे हैं? लॉकडाउन, कोरोना, लॉकडाउन का डर है या कोरोना का डर है? कोरोना के हिसाब से जैसे लॉकडाउन रहेगा तो काम काज मतलब नहीं चलेगा, फिर इधर बैठे बैठे क्या करेंगे खर्चा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।